हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मिता पहाड़ी ब्लॉगर में। और कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे और हम भी बढ़िया ही हैं। और आज हम आ रखे हैं कैंप साइट में चोपता। ये देखिए किस तरह के व्यूज़ यहां पे होते हैं। और मैं फ्रंट कैमरे से भी दिख, ये देखिए इस तरह के कुछ कैंप मिलते हैं आपको। ये सोलर पैनल हैं, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं होती है तो यहाँ सोलर से ही जो है काम चलता है। तो यहाँ आज सारे कपड़े धो रखे हैं। इस तरह से ये आपको कैंप के बाहर बैठने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर से आप शानदार नज़ारे ले सकते हैं सामने के। और यहाँ पे आराम से कुर्सियाँ डाल के बैठ सकते हैं आप। और ये लाइट चारों हो रही हैं जो छोटी छोटी रखी है। और इस प्रकार से ये रास्ता है कैंप में जाने का। तो इस तरह से आपको इन एरियाओं में कैंप मिलेंगे। और कुछ इस प्रकार के आपको कैंप मिलेंगे, ये देखिए जो सड़क के ऊपर हैं। ऐसी जगहों पे आप जो है बिल्कुल आना पसंद करोगे कुछ इस प्रकार से। ये व्यूज हैं सामने के। और आप ये जाएंगे यहाँ से तो आपको कुछ इस प्रकार के मिल जाएंगे नज़ारे। और यहाँ पे बैठ के जो ये जगह है, यहाँ पे बैठ के आप दूर के नज़ारे ले सकते हैं। देखिए कितने सुंदर व्यूज हैं। आप ये देखें, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी काफ़ी खूबसूरत मौसम मिलेगा, नज़ारे मिलेंगे। और ये जो सामने आप लंबे लंबे पेड़ देख रहे हैं, ये चीड़ के पेड़ हैं। चीड़, देवदार, बांज, बुरांस, कुछ इस तरह से आपको रूम्स मिलने वाले हैं। ये देखिए इस तरह के बेड होंगे। और इसमें एक नीचे छोटा शेयरिंग के लिए होगा। और ये आपको कम से कम मिनिमम मान के चलो इसमें जो है 7-8 बंदे आप सो सकते हैं। और ऊपर कुछ इस प्रकार से गर्मी लग रही है, फर्स्ट क्लास, बाहर ठंड है। और ये आपको मिलेगा, इसके अंदर जो है अभी लॉक लगा हुआ है, इसके अंदर आपको लैट्रिन बाथरूम टॉयलेट मिलेगा। और एक अलमारी मिलेगी साथ में। यहाँ पे आपको छोटा सा शीशा भी मिलेगा, एक टेबल मिलेगा, यहाँ पे कुर्सियाँ लगी होती हैं। और यहाँ से आप आनंद ले सकते हैं। और कुछ इस प्रकार के कैंप आपको मिलने वाले हैं। आगे सड़क जाएगी चोपता, बद्रीनाथ, तुंगनाथ। और ये कैंप साइट है। यहाँ पे पार्किंग के लिए भी अच्छी सुविधा है। और बोर्ड भी दिखाऊंगा मैं आपको, बोर्ड ज़रूर दिखाऊंगा मैं। ये है कैंप साइट का बोर्ड। ये कैंप साइट का बोर्ड है लगा हुआ, तो हम दिखाते रहेंगे चोपता की हरी भरी वादियों से आपका, चोपता के हसीन वादियों से आपका दीदार कराते रहेंगे। और धीरे धीरे चलते हैं हम। ये देखें, और अब थोड़ी देर में हम जाएंगे घर को। और ये देखिए सामने सुरेंद्र भाई बैठे हैं, बैठ के जो है आनंद ले सकते हैं कैंप साइट पे। और ये है हमारे जिनमें हमें सोना पड़ता है, ऐसी व्यवस्थाएं हैं, क्या करें, मजबूरियां हैं कहीं। और ये स्वामी जी हैं। स्वामी जी राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो तुम नाथ बाबा की, जय जयकार हो, जय हो सदा खुश रहे तुम लोग बिचारे, आनंद मंगल रहें।
घरों में सुख शांति बने रहें, बाल बच्चों में सरस्वती का कंठ रहें, लक्ष्मी का वास रहे, अंधन की प्राप्त रहें, सिद्धि बुद्धि रहें, बैरी बहनी का नाश हो जाए, दुर्धन को दूर रखें, पापी का संगार हो जाए, बुरी नजर वाले का मुहा काला हो जाए, और आपके बाल बच्चों के अंदर जो है सरस्वती का कंठ रहें, और हमारे तुंगनाथ बाबा जो है आपकी मनोकामना पूर्ण करें, और जो आप लोग ऐसे ऐसे व्यवस्था इन जगहों में कर रखे हैं, धन्य हो आप लोगों के लिए जो आप लोगों ने जो है ऐसे व्यवस्था कर रखे हैं। हम जो आप लोगों के जो है बड़े खुश हो रखे हैं, बड़े आनंद हो रहे हैं, गदगद जो ये शरीर प्राणी जो हमारे जो है यहाँ पे जो है बड़े आनंद हो रहे हैं, और आप लोगों से हमारा जो है बड़े दृष्ट हैं, जो आप लोग जो हैं इतने जगह में और इतने सुंदर जगह में और इस स्थल में बाबा जी के स्थल में और बाबा जी की नगरी में आप लोगों ने ये जो है यात्रियों के लिए सुविधा किया है, तो धन्य हो आप लोगों के लिए। और हमारे पास और क्या चीज़ें आशीर्वाद हैं, साधु के पास कोई चीज़ और कुछ चीज़ है? बिल्कुल बाबा जी, बिल्कुल आपका आशीर्वाद ही अहम है, ज़रूरी है, और आप लोग तो अंतर्यामी होते हैं। तो सुरेंद्र भाई, आप कुछ कहना चाहोगे? कमने ऊनो ठंडू गरम ना ना बरखा कते आउनी ओ बरखा तो बोल रही है छकी उनी नी शाम रात भी प्यार कते आवे बहुत देर प्यारा बरखा से चलो फिर मिलदा। अच्छा, तो फिर मुलाकात होती है। ठीक है ठीक है। किशन बढ़िया हो जाएगा क्योंकि अब टावर भी लग चुका है और वो सामने टावर लगा हुआ है और गाड़ियां जो है आपको इस तरह से टूरिस्टों की गाड़ियां आ रही है, तो आप भी आइए। इस तरह से पहाड़ी भैंसें आपको मिलेंगी जो कुछ इस प्रकार से पहाड़ों में होती है, और आपको अच्छी खासी यहाँ पे दूध भी मिल जाएगा। और ये देखें, गर्मी होगी यहाँ पे जबकि ठंड लग रही है, और इसको गर्मी महसूस हो रही है। देखिए पानी में पड़ा हुआ है, ये देखिए पानी में पड़ा हुआ है, और ये हैं पहाड़ी भैंसें। तो आपको यहाँ पे पहाड़ी भैंसों का दूध भी मिलेगा, प्योर दूध मिलेगा। ये देखिए, इसको मुझे ठंड लग रही है, इसको फिर भी गर्मी लग रही है, देखिए। और ये देखिए, ये है हमारा मक्कूमठ गांव, जो इस समय मक्कू बैंड से देख रहे हैं हम, और ये पूरा गांव दिखेगा आपको। ये नीचे जवानी है, धरोड़ा, ये मोहल्ले हैं मक्कूमठ गांव के, पीपल नगर, राजपुर, मक्कूमठ, बौड़ी, ग्वार, और कैल, अंगेरगोंडा, काफ़ी कवर करता है ये, देखिए। और मैं जूम करके दिखाऊंगा, ये जो लाल लाल सा दिख रहा है ये अपना त्रिशूर होम स्टे है। ये जो लाल सा टीन शेड दिख रहा है, ये इधर आगे हार्डवेयर चौन हार्डवेयर की दुकान उनकी, और वो ऊपर इंटर कॉलेज है, ये यहाँ पे ये इंटर कॉलेज है। तो पूरा गांव कवर करता है और पूरा दूर तक के एरिया दिखते हैं। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, और जंगल क्षेत्र बहुत बड़ी वन संपदा है हमारे गांव की। ये देखिए और सुंदर नज़ारे हैं, और सामने है, ये आपको दिखाऊंगा, ये भेड़ फार्म है चलोखड़ में। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन भेड़ पाई जाती है, और उसका ऊन वगैरह बाहर भेजा जाता है। ये है वो जगह, चलिए चलते हैं आप घर को। रास्ते में कुछ इस प्रकार के झरने मिलेंगे, ये देखिए कितना सुंदर झरने है, ये देखिए। तो ये चौका जाते हुए आपको रास्ते में मिल जाएंगे इतने खूबसूरत झरने, और अगर आप मक्कूमठ जा रहे हैं तो आपको ये रास्ते ही में पड़ेंगे, ये देखिए। तो ये मक्कूमठ के नीचे जा रही है, एक झरना आपको ऐसा भी मिलेगा, ये देखिए कितना सुंदर, ये देखिए पड़ाके पर मिलेगा ये भी। ये मक्कूमठ में है, जोकड़ा के पास, जोकड़ा गांव है मक्कूमठ में, बिल्कुल सड़क पे, ये देखिए कितना सुंदर झरना है।